बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, आई एम प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज, द कॉन्सेप्ट अकेडमी। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एफर्ट फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड द मेजर पॉइंट्स एंड सम ऑफ द स्टेप्स, एंड टुडे we discuss about the national solidarity and stability, qaumi ittehad aur istehkam। aap kisi bhi mulk mein tarakki ki jo ratio hai uska zyada tar darmadar mulki ittehad aur istehkam par hota hai, yani ki duniya mein jitni bhi qaum hai, जितने भी ममालिक ने, जितने भी कंट्रीज ने दुनिया में कामयाबी हासिल की और तरक्की की मनाजिल तय की, उनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल थे या वो कौमें शामिल थी जिन्होंने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद, युद्धानगत और एक दूसरे के साथ इस्तेहकाम का दर्स दिया या मेंटेन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे ऊपर जो मसाइल आए, जो प्रॉब्लम्स आए, उनको हुकूमत वक्त ने किस तरीके से इंटरटेन किया, यानी वो लोग जो उस स्पेसिफिक फील्ड को फुलफिल करते थे, जैसे लियाकत अली खान ने आपको बताया कि लियाकत अली खान को उन्होंने न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनाया बल्कि रिफ्यूजी सेटलमेंट और रिलीफ फंड का चेयरपर्सन भी इलेक्ट किया पंजाब के हवाले से, बिकॉज पंजाब वॉज द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ पाकिस्तान। और इसी दौरान ड्यूरिंग द माइग्रेशन तकरीबन 10 से 12 लाख मुसलमान जो माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे उनको शहीद कर दिया गया और उनकी इज्जतों को पामाल किया गया, उनसे उनकी जो जमा पूंजी थी वो छीन ली गई और उनको मुख्तलिफ तरीके से उनकी तजलील की गई। तो नेशनल सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी में हमारी कौम ने, हमारी अवाम ने जिस तरीके से खुद को संभाला, स्टेबल किया, वो दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की गई थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त न सिर्फ हुकूमत बल्कि कॉमन पीपल जो आम लोग हैं वो भी मुल्क की तरक्की के लिए कोशा थे, जद्दोजहद कर रहे थे ताकि वो बहुत जल्द अपने मुल्क को, अपनी कौम को स्टेबल कर सके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कायद आजम सेट इन 9th अगस्त 1947 ही डिक्लेयर लेट्स ट्रस्ट ईच अदर एंड वर्क इन डबल शिफ्ट इफ नेसेसरी टू मेक आवर कंट्री रियली हैप्पी, रियली यूनाइटेड एंड पावरफुल। तो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने सितंबर 8, 1947 को खिताब करते हुए अपनी एक तकरीर में ये कहा कि एक दूसरे पर एतमाद करें, क्योंकि वही कौमें तरक्की करती हैं जो एक दूसरे पर ट्रस्ट करती हैं, जो एक दूसरे के एतमाद को तोड़ती नहीं हैं, पर वो कौमें ही तरक्की करती हैं जो अपने औकात कार, यानी काम करने के जो औकात हैं उनको बढ़ा के डबल और ट्रिपल, क्योंकि उस वक्त डबल ट्रिपल टाइम काम करना वक्त की ज़रूरत था, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने पढ़ा हिंदू ऑफिशियल्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, सो दे स्पॉइल्ड आवर रिकॉर्ड ऑफ ऑफिसर्स, उन्होंने दफातर के जितने भी रिकॉर्ड थे उनको जला दिया। तो ये वो सूरत हाल थी जिस सूरत हाल से निकलने के लिए, यानी कि हम लोगों ने अपनी तरक्की की मनाजिल को जीरो से स्टार्ट करना था और इस तरक्की की
मनाजिर को जीरो से स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी था कि हुकूमत और अवाम मिलकर इसके लिए कोशां हों, मिलकर एफर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक मुमकिन हो सके और जल्द अज जल्द उन तमाम हालात पर काबू पा लें जो बहुत ज़्यादा संगीन हद तक बिगड़ चुके थे। चुनाचे एक जगह पर कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह एड्रेस द ढाका यूनिवर्सिटी एंड ही सेड आई श्योर यू डिवाइड यू फॉल यूनाइटेड यू स्टैंड। अगर आप आई एश्योर मुझे यकीन है कि अगर आप बिखर गए, डिवाइड का मतलब होता है बिखर गए तो गिर जाओगे, पर अगर आप में मोहब्बत रही, भाईचारा रहा, इत्तेफाक रहा तो आप खड़े रहोगे। तो चुनाचे वही कौमें दुनिया में तरक्की की मनाजिल को तय करती हैं जो अपने हालात से लड़ना जानती हैं। अगर हम लोग एग्जांपल दें तो एक एग्जांपल आप कोट कर लें कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों को तबाह कर दिया और उस वाक़े का इतना गहरा सदमा या इतने गहरे असरात जो अभी तक मौजूद हैं जापान में वो ख़त्म नहीं हो पाए। चुनाचे उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए ये कहा कि हमारी जंग अभी जारी है, हमारी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हम लोगों ने अभी जंग करनी है तलीम के मैदान में, हम लोगों ने अभी जंग करनी है लेबॉरटरीज में, हम लोगों ने अभी जंग करनी है इंडस्ट्रियों में। तो आज देखें कि जापान पर कैपिटल इनकम के हवाले से अगर देखा जाए तो दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है, यानी जो पर कैपिटल इनकम है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले जापान के साथ था, पिछले 10 सालों में वो रिकॉर्ड जापान से चाइना की तरफ चला गया। चाइना जो है वो इस वक्त इस पोजिशन में है कि पर कैपिटल इनकम के हवाले से चाइना में, यानी कि फर्दर वाइड की जो कमाई है उसके हवाले से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है इस वक्त। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनमें इत्तेफाक, मोहब्बत और एकानियत है, यूनिटी है, स्टेबिलिटी है, सोलिडरिटी है, ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत करने का जज्बा है। और कौम या वो लोग जो अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं और अपने मुल्क में अमन चाहते हैं वो लोग कभी भी अपने मुल्क को टूटते नहीं देख सकते। तो कायदे आज़म विजन ऑफ पाकिस्तान हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, इसको हम लोग साथ जोड़ रहे हैं। कायदे आज़म विजन, कायदे आज़म विजन ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म के ख्वाबों का पाकिस्तान क्या था, कायदे आज़म ने क्या सोचा था कि पाकिस्तान को कैसे होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कायदे आज़म अपील टू द पीपल जनरसली एंड फाउंड एंड ही सेड दिस वन सेव ऑल ऑफ यू कैन एंड गिव टू वर्ल्ड द रिलीफ ऑफ दीज विक्टिम्स ऑफ, ठीक है, उन लोगों को इमदाद दें, उन लोगों की मदद करें जो विक्टिम बने किसके, वैंडलिज्म के, वैंडलिज्म और हु हैव सफर्ड ऑल दिस फॉर सोल रीजन दैट दे आर द मुस्लिम, और वो सिर्फ ये तमाम के तमाम मसाइल इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो चुनाचे इससे एक बात ये जाहिर होती है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी का जो पहला पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये पहला पॉइंट है। पहले हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी जो है हमारा पहला पॉइंट है, मुहाजरीन की आबादकारी, और इस आबादकारी के लिहाज से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये
कि उन मुतासर अफराद की मदद करने का जज्बा अपने दिलों में पैदा करें जिनको इंडिया से रेलवे विभाग में आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को इंडिया से सिर्फ इसलिए निकाला गया है क्योंकि वो मुसलमान हैं, वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, और उनके रिलीफ के लिए कायद अजम अपील टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू गिव फंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ दोज रेफ्यूजीज हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, वो तमाम के तमाम लोग जो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे। तो ये कायद अजम का वो जज्बा था जिसकी वजह से ही मोटिवेटेड द पीपल, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, द पीपल ट्रस्टेड कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दिल खोल कर इमदाद दी। तो यही वजह हुई कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान महाजरीन की आबादकारी में सुरखरू हो गया, महाजरीन की आबादकारी में कामयाब हो गया। तो नंबर नेक्स्ट जो है वो है गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट। नंबर सेकंड जो पॉइंट है वो है गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया, आप उनके नजर में विजन क्या था, उनके नजर में विजन बेटा ये था क्योंकि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते थे कि वो तमाम के तमाम लोग जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आ रहे हैं उनको यहाँ पर किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने सिविल पब्लिक सर्वेंट को गाइड करते हुए ये इरशाद फरमाया। उन्होंने कहा कि यू डू नॉट बिलोंग टू द रूलिंग क्लास, आपका ताल्लुक किसी अमीर ख़ानदान से नहीं है, यू बिलोंग टू द सर्वेंट, आप क्या हैं, गुलाम हैं। मेक द पीपल फील दैट यू आर देयर सर्वेंट एंड फ्रेंड्स, और इस बात को साबित करें कि लोग महसूस करें कि आप उनके खादिम और दोस्त और हमदर्द हैं, यानी इसके लिए दोस्त हमदर्द किसी भी लफ्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर ऑनर इंटेग्रिटी जस्टिस एंड फेयर प्ले। साथ साथ कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह ने उनको इनकरेज करते हुए ये कहा कि आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ना सिर्फ उन लोगों के बारे में अपने दिल में हमदर्दी का जज्बा रखें बल्कि खुद को भी अपने काम में इतना महव कर लें कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब इंसान नेक नियती के साथ किसी भी काम को सर अंजाम देने की कोशिश करता है तो यकीनन वो उसको करने में बहुत हद तक 100%, पर अगर कहीं थोड़ी बहुत कसर रह भी जाती है तो फिर भी वो उसको कामयाबी से हमकनार करता है। उस तमाम वो जो टास्क, वो जो सब्जेक्ट उसने अपने लिए चूज़ किया हुआ होता है उसको वो कामयाब करता है। अब इसमें फाइटिंग रीजनलिज्म एंड प्रोकलिज्म, इसमें जो रीजनलिज्म और प्रोकलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सूबाइयत और तंगनज़री के मीनिंग में है। इसमें फाइटिंग रीजनलिज्म एंड प्रोकलिज्म, ये प्रोकलिज्म का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है रीजनलिज्म किसे कहते हैं, सूबाइयत परस्ती और तंग नजरी, ये दो मेरे ठीक है। आप सिविल मुलाजमीन की रहनुमाई
ठीक है, और माजरीन की बात कर रही अब फायरिंग रीजनलिज्म एंड फ्रॉगलिज्म, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर कोई इंसान चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से ताल्लुक रखता है, यानी अगर किसी पंजाबी के पास पठान आता है तो वो उसके साथ तंग नजरी वाला रवैया अख्तियार करता है, रीजनलिज्म का एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए, यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क और अपने मुल्क के मफाद के बारे में सोचें। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कायदे आज़म में जो फाइटिंग रीजनलिज्म एंड ग्लोबलिज्म, सुबाइयत परस्ती और तंग नजरी, कायदे आज़म ने इस एलिमेंट को बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश की है कि लोगों में सुबाइयत परस्ती का जो एलिमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए। तो इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह साथ में ये भी चाहते थे कि वो लोग जो हायर पोस्ट पर सिविल सर्वेंट हैं, जो हायर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनके पास कोई भी इंसान अपना मसला बयान करने के लिए जाता है तो उनका ये पूरा हक बनता है कि वो उनके मसाइल को सुने, समझें और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि लोग पहले से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो जो अफेक्टिव इंडिया से आ रहे थे, तो आप रहमतुल्लाह अलैह की पूरी इंटेंशन ये थी कि आप उन लोगों के मसाइल को बखूबी अच्छे तरीके से हल करने के बारे में यहाँ पर रीजनलिज्म और प्रोगलिज्म को क्रिटिसाइज करें। यानी कि ये एलिमेंट जिस कौम में या जिस मजहब में या जिस रियासत में ये एलिमेंट मौजूद होता है, डेफिनेटली वो लोग तरक्की नहीं कर पाते। तो बेटा हम लोगों ने आज इसके बारे में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया कि वी आर नाउ ऑल पाकिस्तानीज, कि अब हम सब पाकिस्तानी हैं, नॉट बलोची, हम बलोची नहीं हैं, नॉट पठान, हम पठान भी नहीं हैं, सिंधीज भी नहीं हैं, ठीक है, बंगालीज भी नहीं हैं और पंजाबीज भी नहीं हैं, सो ऑन एंड एज पाकिस्तानी वी मस्ट फील, पर हमें ये महसूस करना चाहिए, बिहेव एंड एक्ट दैट वी शुड बी प्राउड टू बी नॉन एज पाकिस्तानी, और हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तानी हैं एंड नथिंग एल्स, और इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिन एलिमेंट को टारगेट किया, जिन फैक्टर्स को टारगेट किया, वो बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुए और वो बहुत हद तक ठीक भी थे, क्योंकि मुल्क इसी वजह से दबाव बर्बाद होता है जब उसमें प्रोकलिज्म और रीजनलिज्म का एलिमेंट गलत होता है, जब सुबाइयत परस्ती जन्म लेती है। इसमें हम लोग अगर इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि देखें, इस्लाम वो वाहिद फोर्स थी जिस फोर्स ने तब इन पूरे के पूरे सूबों को आपस में जोड़ कर रखा, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन रखने पर मजबूर किया। सो इट इज़ कॉल्ड सेंटीपेडल फोर्स। सेंटीपेडल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को अपने मरकज के गिर या अपने मरकज के करीब रहने पर मजबूर करती है। तो बेटा इसमें आम लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, ना हम बलोची हैं, ना सिंधी हैं, ना पंजाबी हैं, ना बंगाली हैं, उस वक्त तो बंगाल भी था। तो कायदे आज़म का इशारा उस तरह था कि हम लोग प्रोगलिज्म और यानी प्रोगलिज्म और रीजनलिज्म, रीजनलिज्म मीन होता है प्रोवेंशलिज्म, कि जितने भी प्रोवेंसेस हैं पाकिस्तान के, तो उन प्रोवेंसेस में जितने भी लोग रह रहे हैं, दे टॉक एंड डिस्कस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, दे आर द फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम एंड कल्चर्स, वो मुख्तलिफ सकाफत और मुख्तलिफ रस्म और रवायात को मानने वाले लोग हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनमें तफरीक आ जाए, वो एक दूसरे के को अच्छे तरीके से एंटरटेन ना कर सके। तो बेटा इंशाअल्लाह ताला हम लोग अगले लेक्चर में मज़ीद इसके जो तीन, दो से तीन पॉइंट्स रह गए हैं, हेडिंग्स रह गए हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के लिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।